हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ बीरबल साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आवर टुडे टॉपिक इज सक्सेसिव डिफरेंशियल पार्ट 5 एंड पार्ट 6। चलिए आज हम देखेंगे लेबनिज में जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी क्वेश्चन को फिर से कैसे बनाते हैं। कल मैंने जो क्लास हुई है लास्ट क्लास, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, लेबनिज थ्योरम के थ्रू क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैंने आपको बताया और समझाया था। आज हम उसी में और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि लेबनिज थ्योरम का उपयोग कैसे करते हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं, एक नॉर्मल डिफरेंशियल में nth टाइम डिफरेंशियल करने पर उसमें लेबनिज का यूज़ किस प्रकार से हम कर सकते हैं और उससे हम अपने सवालों को हल कैसे कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें सवाल बनते कैसे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास ये न्यू क्वेश्चन। क्या कहता है न्यू क्वेश्चन में आपके पास, ये कहता है एग्जांपल क्वेश्चन है आपके पास न्यू वाला, तो ये कहता है आपके पास, देखिए कहता है इफ़ वाई इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इक्वल टू जीरो करके। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के थ्रू आप इसको प्रूफ करेंगे, ये जो दिया हुआ है पार्ट, इसको पहले आप प्रूफ करेंगे, इसको टू टाइम डिफरेंशियल करके आप सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे। उसके बाद इसी टर्म्स में हम क्या अप्लाई करते हैं, इसी टर्म्स में हम अप्लाई करते हैं एन टाइम डिफरेंशियल, इट मीन्स लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तब हमको ये वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व होके मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखिए फर्स्ट आपको क्या कहता है यहाँ से, ये कहता है सॉल्यूशन में कि सॉल्व गिवन दैट द इक्वेशन y इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स करके। ठीक है, कहता है गिवन दैट द इक्वेशन y इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स करके, ये बना आपके पास इक्वेशन नंबर वन। और उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन का आप कर देंगे यहाँ पे डिफरेंशियल। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं, इसका डिफरेंशियल करेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए जब इसका डिफरेंशियल करते हैं तो क्या बनता है ये चेक करते हैं, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन करके। ठीक है, तो देखिए जब इसका आप डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा और इसका डिफरेंशियल करेगा तो क्या मिलेगा, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या कहता है, जब इसका आप डिफरेंशियल करेंगे स्टूडेंट्स तो वाई का हो जाएगा आपके पास वाई वन और ये कॉस का हो जाएगा आपके पास माइनस साइन, लॉग एक्स का लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशियल करूँगा तो क्या दिखाएगा वन अपॉन एक्स करके। कहने का मतलब ये है कि ए जो दिया हुआ है, ए हमारे पास कैसी वैल्यू है, वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, उसका डिफरेंशियल हम कर नहीं सकते। तो डिफरेंशियल किसका होगा, कॉस एक्स का और लॉग एक्स का। अब फंक्शन कैसा फंक्शन है, फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि एक ही फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन रखा गया है। ठीक है, कि एक फंक्शन के अंदर ही क्या है, एक दूसरा फंक्शन रखा गया है। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं उसके बाद दूसरे फंक्शन का, मतलब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला टॉपिक है, फंक्शन के अंदर ही एक दूसरा फंक्शन होना है ना, फलन के अंदर ही एक दूसरा फलन होना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन में आता है फलन का फलन करके। ठीक है, तो ये क्या कहेगा, देखिए ये आपके पास कांस्टेंट, पहले आप किसका करेंगे, कॉस का आप क्या करते हैं, इस कॉस का आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉस का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन लॉग एक्स हो गया, माइनस साइन लॉग एक्स। अब किसका करेंगे, अब जो अंदर फंक्शन है उसका, तो इसका होता है स्टूडेंट्स वन अपॉन एक्स करके, तो यहाँ दिया है वन अपॉन एक्स, इट मीन्स यहाँ पर वन अपॉन एक्स लिखता तो मैं इसको डायरेक्ट क्या कर दिया, अपॉन में एक्स कर दिया। तो यहाँ पर क्या दिखाया, देखो आपको y1 वन इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स करके। फिर कहता है प्लस, अब इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे तब इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल होता है आपके पास है ना b एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस साइन रहेगा। अब साइन का आपके पास क्या होता है, कॉस, तो साइन का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, अब और लॉग एक्स का हो जाएगा फिर से आपस आपके पास एक्स करके। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए अब इसको आप अरेंज कर लीजिए, दोनों का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकलेगा आपके पास, दोनों का एलसीएम आपके पास आएगा एक्स। अब इस एक्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या हो जाएगा
एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स करके, तो क्या बनेगा इक्वेशन नंबर, क्या बन जाएगा आपके पास, ये टू बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स वाई वन इक्वल टू ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर टू रेडी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसी का आप फिर से क्या करते हैं, इसी का आप फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, इसी का आप फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आपको दिखाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको बताया है, ये कहता है डिफरेंशियल, या आप लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशियल, है ना, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू करके, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू। तो इस इक्वेशन नंबर टू का आप वापस क्या करते हैं, फिर से इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ डबल फंक्शन है तो इसमें आप लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एक्स और वाई। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं तो कैसे हो जाएगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का आप क्या करेंगे डिफरेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास एक्स है तो एक्स आपके पास क्या रहेगा, वो एज इट इज़ रह गया एक्स एज इट इज़। अब वाई वन का आप डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वो वाई टू। ठीक है, फिर आएगा आपके पास प्लस, आ गया प्लस करके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लस आया, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप फिर से आप प्लस करने के बाद अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल और सेकेंड फंक्शन एज इट इज़। तो सेकेंड फंक्शन क्या है आपके पास वाई वन, तो वो एज इट इज़ रह गया, वैसी का वैसी रहेगा, और एक्स का डिफरेंशियल करूँगा तो एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा आपके पास वन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस साइड तो डिफरेंशियल आप कर लिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अप्लाई करके, अब इस फंक्शन का मुझे फिर से क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, तो फिर से वही टर्म्स यूज़ करूँगा, माइनस एज इट इज़ रह गया, ए कॉन्स्टेंट हो भी एज इट इज़ रहेगा, है ना, अब रहेगा क्या साइन, तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाता है फिर से कॉस, तो साइन का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का हो जाएगा अपॉन एक्स, फिर से क्या हो जाएगा, अब ये कॉस दिया है तो कॉस क्या होता है माइनस साइन, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे माइनस में। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा, बी एज इट इज़ रह गया स्टूडेंट्स, कॉस का क्या हो जाएगा आपके पास साइन, तो कॉस का हो गया साइन, साइन लॉग एक्स अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास एक्स करके, हो गया हमारे पास क्या दिखाएगा वहाँ से एक्स करके। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशियल। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करने पर क्या दिखाता है इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास वो फार्मूला है जो मैंने ही बता रहा था आपको कि जो यहाँ पे अप्लाई किए थे। ठीक है, इसके लिए जो अप्लाई किए थे ना, इस पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए, ये वो फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स करके, ये दिए है ना, डी अपॉन डी एक्स यू वी, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशियल वाला। क्लियर है, तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। देखिए आगे आके आपके पास आप क्या बनाएंगे, फिर से आप क्या करेंगे, जो x दिया हुआ था उसको आप दोनों का फिर से एलसीएम लिए, फिर x आएगा, x को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले से एक x था तो एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा वाई टू, प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई वन था तो एक्स वाई वन हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ए कॉस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स करके। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस ए कॉस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स करके। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इस पूरे से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे से आप कॉमन ले सकते हैं माइनस, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, देखिए एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस, माइनस कॉमन लेने पर ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स करके, ए कॉस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स करके। अब ये पूरा फंक्शन किसके बराबर बनता है स्टूडेंट्स, ये पूरा फंक्शन हमारे पास जो फंक्शन वन है, जो हमारा इक्वेशन था वाई इक्वल टू वाला टर्म्स, उसके बराबर है, तो इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, पूरा ये लिख सकता हूँ वाई के बराबर। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस वाई, अब इसको आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो सो क्या करेगा आपको, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो करके। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट प्रूफ करने वाला टर्म्स है हमारा, जो फर्स्ट प्रूफ करने के लिए दिया था वो फर्स्ट आपके पास प्रूफ हो गया। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक है, जो हम दिए हुए थे वहाँ वाई होना चाहिए, वहाँ पे मैंने एक्स लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक प्रूफ हो गया, जो मिस्टेक है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको हम करेक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स देखिए ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे x आपको दिखाई दे रहा है, x नहीं है ये y है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक, ये y था, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, तो देखिए हम यहाँ तक आ गए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमको सॉल्व करना था, हम यहाँ तक सॉल्व कर लिए।
अब आगे बात करते हैं तो कहता है नाउ यूजिंग nth टाइम डिफरेंशियल बाय लेबनिस थ्योरम, है ना। nth टाइम डिफरेंशियल क्या यूज़ करेंगे, nth टाइम डिफरेंशियल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेबनिस थ्योरम यूज़ करते हैं। किसमें, इक्वेशन नंबर थ्री के लिए, किसके लिए, इक्वेशन नंबर थ्री के लिए। तो अब जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी पावर एन एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो करके, डी पावर एन एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, ये देखिए डी पावर एन एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस डी पावर एन एक्स वाई वन प्लस डी पावर एन वाई इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन नंबर क्या बनेगा आपके पास, इक्वेशन नंबर आपके पास बन जाएगा ये फोर करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कल मैंने बताया था, है ना, जो लास्ट क्लास हुई थी उसे बताया था कि अलग अलग आप कैसे बना सकते हैं लेबनिस थ्योरम में। तो देखिए आप फर्स्ट इसके लिए अप्लाई करिए, सेकंड इसके लिए अप्लाई करेंगे, फिर इसको आप अलग से अप्लाई करेंगे, मतलब सबके लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के बाद मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इसको एक साथ अप्लाई करके दिखाऊंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी मैं आपको क्या समझाने के लिए इसको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। ठीक, तो देखिए डी पावर एन एक्स स्क्वायर वाई टू दिया है, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें जब लेबनिस अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए डी एन वाई टू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहता है, डी पावर एन यू वी, तो यू वी हो गया अपने पास, है ना, प्लस क्या हो जाता है एन सी वन डी पावर एन माइनस वन, और ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है वी और ये होता है, सॉरी ये होता है यू और ये होता है वी करके। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एन सी वन डी पावर एन माइनस वन वाई टू इंटू डी एक्स करके वन टाइम डिफरेंशियल, प्लस एन सी टू दिया है, प्लस एन सी टू डी पावर एन माइनस टू वाई टू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ वन टाइम डिफरेंशियल, एन माइनस वन था तो वन टाइम डिफरेंशियल, एन माइनस टू तो यहाँ पे टू टाइम डिफरेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे तो अब इसको अप्लाई करते जाइए, देखिए यहाँ पे एन और यहाँ पे टू, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके फंक्शन तो आपके पास एज इट इज़ रहेगा, इसको हमको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, ये एज इट इज़ रह गया, प्लस अब ये एन सी वन को आप ब्रेक करेंगे तो क्या होता है फार्मूले में, है ना, कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, ये क्या शो करेगा एन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब इसका आप डिफरेंशियल करेंगे एक्स स्क्वायर का तो क्या शो करेगा टू एक्स करके, अब ये दिया है एन माइनस वन और ये टू, तो टू में एक माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा आपके पास वन, तो क्या हो जाएगा टू एक्स वाई एन प्लस वन करके। ठीक है, अब प्लस हो जाएगा ये एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल इन टू टू वाई एन करके। ठीक है, यहाँ पे कैसे ये टू और ये टू कैंसिल तो सिर्फ क्या बचेगा एन, तो ये हो जाएगा वाई एन, और इसका जब आप टू टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा टू बचेगा। ठीक है, और जब इसको एन से टू को अप्लाई करेंगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल करके। क्लियर स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे लिए इसके लिए। अब देखिए इसको आगे आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एज इट इज़ हो गया, है ना। अब प्लस दिया यहाँ पे एन, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एन एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल, वन का फैक्टोरियल वन ही होता है, तो ये दोनों कैंसिल और यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स वाई एन प्लस वन करके। अब फिर कहता है प्लस, अब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो क्या शो करेगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन टू, टू फैक्टोरियल क्या टू, टू इंटू वन होता है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास टू, और एन माइनस टू फैक्टोरियल, तो एन माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और ये सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास टू, और ये हो जाएगा आपके पास वाई एन करके, टू रह रहेगा नहीं, ये टू और ये टू भी कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए टू और टू कैंसिल, सिर्फ क्या हो गया वाई एन करके। तो देखिए लास्ट में आपके पास क्या रह जाएगा, लास्ट में आपके पास रह जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन वाई एन करके, तो ये हो जाएगा आपके पास ए, इक्वेशन नंबर ए करके। ठीक है, अब देखिए अगर आप नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे तो क्या दिया है डी एन एक्स वाई वन इक्वल टू, क्या कहता है आपको डी पावर एन वाई वन एक्स प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स करके रखते जाएंगे। ये वाई वन मतलब यू की वैल्यू, ये वी की वैल्यू, ये फिर से यू की वैल्यू और ये वी की वैल्यू। क्लियर है, तो देखिए अब यहाँ जब इसको अप्लाई किया तो फिर से क्या टर्म्स बनेगा आपके पास, यहाँ मैं डायरेक्ट किया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा x, ये n है और ये 1 है, तो x इंटू वाई एन प्लस वन प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा और y कैन सॉल्व करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल ऊपर नीचे आके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा n वाई एन करके, तो ये क्या बचा इक्वेशन नंबर b के लिए स्टूडेंट्स, इसके लिए बचेगा इक्वेशन नंबर b के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स,
अब देखिए इसके बाद इसका थर्ड पार्ट बचा हुआ है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे ये दिया है स्टूडेंट्स, जो लास्ट पार्ट है, डी एन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एन वाई इक्वल टू वाई एन इक्वेशन नंबर सी करके, डी एन डी पावर एन वाई इक्वल टू डी एन वाई इक्वल टू वाई एन करके, तो ये हो जाएगा सी। अब इस पूरे वैल्यू को जो ए बी सी की वैल्यू है, इन तीनों ए बी सी की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फोर में, आप इसको पुट कर दीजिए। तो जब पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन वाई एन प्लस एक्स वाई एन प्लस वन प्लस क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से एक्स वाई एन और ये प्लस वाई एन इक्वल टू ज़ीरो करके। क्लियर स्टूडेंट्स, तब इसको आप सॉल्व करते जाइए, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस वन प्लस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एक्स वाई एन प्लस वन, मतलब ये और ये, इसको मैंने एक साथ ले लिया, जो वाई एन प्लस वाले टर्म्स है उसको एक साथ ले लिया। अब इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से एन वाई, इसको आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस एन वाई एन। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया आपके पास ऑलरेडी, यहाँ पे दिया हुआ है एक टर्म्स, क्या है यहाँ पे, क्या है स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास, देखिए ये आपको दिया हुआ है एन वाई एन करके, है ना, एन वाई एन अब प्लस वाई एन इक्वल टू ज़ीरो करके, तो ये और ये दोनों प्लस माइनस में कैंसिल हो गए, तो अपने पास क्या बचेगा, देखिए दोनों कैंसिल होने के बाद, दोनों जब कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, ये एज इट इज़, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है एक्स वाई एन प्लस वन, एक्स वाई एन प्लस वन ये पूरा कॉमन है, इसको मैं बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, टू एन प्लस वन करके, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, अभी क्या बचा है एन स्क्वायर और यहाँ क्या बचा है वाई एन, ये भी वाई एन का टर्म्स है और ये भी वाई एन का टर्म्स है, तो आप यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, वाई एन को कॉमन, तो क्या बचेगा आपके पास, प्लस एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इक्वल टू ज़ीरो करके। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है, लैबनीज का नहीं है, वो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये समझ में आया, इस क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं, ये हमको बताइए कमेंट करके, और इसको देखिए आराम से। देखिए ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स बाई यूजिंग nth टाइम डिफरेंशियल करके, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स बाई यूजिंग nth टाइम डिफरेंशियल। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो गिवन दैट द इक्वेशन, सॉल्व गिवन दैट द इक्वेशन वाई इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, इक्वेशन नंबर वन बना, इसका आप डिफरेंशियल करिए, तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, तो इस इक्वेशन नंबर वन का आप डिफरेंशियल करेंगे तो क्या दिखाएगा, देखिए आपको वाई वन इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, कैसे हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन है सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स, तो उसका ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहता है, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, इट मीन्स एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे वन, और ये हो जाएगा यहाँ पे ई टू द पावर एक्स करके, तो ये बनेगा इक्वेशन नंबर वन, और ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर टू करके। ठीक है, अब फिर से आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का फिर से डिफरेंशियल कर दीजिए, तो फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो क्या शो करेगा, देखिए अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू करके, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास वाई टू इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स, ये भी फिर से वही प्लस ई टू द पावर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस ई टू द पावर एक्स करके, ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा टू ई टू द पावर एक्स इक्वेशन नंबर थ्री करके। ठीक है, अब इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसी प्रकार आप फिर से इसका डिफरेंशियल कर लीजिए, तो क्या दिखाएगा अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री करके, फिर से जब आप इसका डिफरेंशियल करते हैं तो आपको फिर से वही शो करेगा वाई थ्री इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस टू ई टू द पावर एक्स करके, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा वाई थ्री इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस थ्री ई टू द पावर एक्स करके। तो इस प्रकार से जैसे इसको आप चलते जाएंगे इसका डिफरेंशियल बढ़ते जाएगा स्टूडेंट्स, और इसका आंसर आगे एन टाइम तक जा सकता है, तो एन टाइम तक जाने के लिए हम वहाँ पर नहीं बनाए हैं इसको, दिया जरूर है एन टाइम करके, बस एन टाइम के लिए नहीं बताए हैं, सिर्फ नॉर्मल थ्री टाइम डिफरेंशियल करके इसको बताए हैं। ठीक है, नॉर्मल थ्री टाइम डिफरेंशियल करके बताए हैं, क्योंकि देखिए इस वैल्यू को आप वाई से रिपीट कर सकते हैं, जैसे इसको आप रिपीट करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा ये वाई हो जाएगा,
जैसे इसको अगेन डिफरेंशियल करते हैं तो आपके पास क्या दिखाएगा, ये वाई थ्री हो जाएगा, वाई थ्री का वाई फोर हो जाएगा, और यहाँ पे जो वाई आएगा वो क्या हो जाएगा, वाई वन, और ये प्लस थ्री ई टू द पावर एक्स करके, मतलब वो सीरीज ऐसी चलते रहेगी ठीक है, और एन टाइम डिफरेंशियल को वो शो करके चली जाती है ठीक है स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, एन टाइम डिफरेंशियल को भी सॉल्व कर सकते हैं या नॉर्मल डिफरेंशियल को भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने जो आपको लेबनीज़ में बताया उसी को मैं क्या करूँगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसी में उसे और क्वेश्चन कराऊँगा, लेकिन अब मैं लेबनीज़ थ्योरम में जो उसके फॉर्मूलेज हैं उसको डायरेक्ट अप्लाई कैसे करते हैं यह बताऊँगा, है ना। जो अलग अलग करके बताए हैं वैसे अलग अलग करके अब नहीं बताएंगे, अब उसको डायरेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ाम टाइम में हमारा टाइम बचाता है। ऐसे अगर आप सिंगल सिंगल सॉल्व करेंगे तो आपको समय लगता है और वो टाइम खींचता है, इसलिए आपको हम डायरेक्ट अप्लाई कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन शॉर्ट में भी सॉल्व हो जाएगा और समय भी बचता है ठीक है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, आपको एन टाइम डिफरेंशियल निकालने के लिए जो नॉर्मल डिफरेंशियल है वो करना पड़ता है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, उसके बाद उसमें आप एन टाइम डिफरेंशियल लगाते हैं ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार क्या करना है, इसको आप पढ़िए समझिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हमको कमेंट करके बताइए ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लेबनीज़ में अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को, मतलब लेबनीज़ कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में डायरेक्ट ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।